A very good morning, dear students. I welcome you in English literature class. Today I am going to explain 6th class chapter, chapter 5, the mask. Chapter 5, the mask. Mask वो कोरोना वाला मास्क नहीं है जो अभी आप लोग यूज़ कर रहे हो. यहाँ पर जो मास्क है, एक तरीके से जो मुखौटा होता है, फॉल्स फेस होता है, वहाँ वो वाला मास्क यहाँ बताया गया. जब आप चैप्टर रीड करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड किस टाइप के मास्क के बारे में यहाँ बताया गया है. ठीक है. एंड चैप्टर 5 द मास्क, इट इज़ रिटन बाय सत्यजीत रे. ओके. नाउ When Satyajit Ray was born, he was born in May 2nd, 1921 in Kolkata. Okay? And when he was died in 23rd April 1992 in Kolkata. Okay? So now students, before starting this chapter, first we will learn all hard words. Okay? First is occurs. It means take place. किसी चीज का होना. Okay? Second is culprit. Culprit, it means criminal, it means doshi. Okay? Next is rushed. Rushed, it means speed. तेजी से दौड़ के जाना, भाग के जाना कहीं पे. Okay? फिर next fourth is horrendous. It means frightful, भयभीत होना. Next fifth is scream. It means shout, तेजी से चिल्लाना. Okay? Next is trapped. Trapped, it means skip, फिसल के नीचे गिर जाना. Next is anxiety. Anxiety, it means a feeling of worry. It means tension वाली जो feelings होती है, चिंता वाली, उसको anxiety बोलते हैं. Okay? So now students, you will read all hard words and learn all hard words. Now you will open your English reader book, page number 41, chapter 5, the mask. Okay? So before starting this chapter, first I will give you the brief introduction of Satyajit Ray. Satyajit Ray was a master storyteller who excelled at both writing stories and directing films. जो सत्यजीत राय हैं वो एक मास्टर थे और एक स्टोरी टेलर थे, जिन्होंने बहुत एक्सेलेट, इट मीन्स बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज और फिल्म को डायरेक्ट किया था. He created two of the most famous characters. और उन्होंने दो बहुत ही मोस्ट फेमस जो करेक्टर्स हैं उनको भी क्रिएट किया था बंगाली फिक्शन में. एक तो था फलूदा द स्लूथ, इट मीन्स एक डिटेक्टिव जो होता है उसको बोलते हैं हम स्लूथ, एंड प्रोफेसर शौंकू द साइंटिस्ट. और शौंकू जो है वो एक साइंटिस्ट है. एंड हिज स्टोरीज आर सिंपल एंड एंटरटेनिंग. उनकी जो भी स्टोरीज होती है सत्यजीत रे की, वो स्टोरीज बहुत ही क्या होती है, सिंपल होती है, बहुत ही एंटरटेनिंग वाली होती है. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, आई विल रीड दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन. फलूदा और प्रदोष चंद मित्तर इज एन एमेचर स्लूथ हु इज अ करेक्टर इन अ सीरीज ऑफ बंगाली डिटेक्टिव फिक्शन नॉवल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. जो फलूदा और प्रदोष चंद मित्तर हैं वो एक क्या है, एमेचर, इट मीन्स एक स्लूथ, इट मीन्स डिटेक्टिव. इसका मीनिंग आपकी बुक में है amateur sleuth, it means a person who does the work of a detective because he is interested in it and not because it is his job. कोई एक ऐसा person जो अपनी job की वजह से नहीं, उसको interest हो, मतलब जासूसी करने का, शौकीन जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पर ही बताया गया है कि जो फलूदा, जो प्रदोष चंद मित्र है वो एक क्या है, बहुत ही शौकीन डिटेक्टिव है. हु इज़ अ करेक्टर इज़ इन सीरीज ऑफ बंगाली डिटेक्टिव फिक्शन नॉवल्स. और उन्होंने एक जो बंगाली डिटेक्टिव जो फिक्शन नॉवल है उसमें इनका एक करेक्टर है. और एंड शॉर्ट स्टोरी, और उनकी कई शॉर्ट स्टोरीज भी हैं विच वर रिटन बाय सत्यजीत रे, और जिसको सत्यजीत रे ने लिखा था. He makes his first appearance in his story. और उन्होंने अपना first जो appearance है वो इस story में ही बनाया. Topsy is Faluda's cousin and the narrator of the story. जो Topsy है वो Faluda है, उसके cousin है, और इस story में narrator भी है. Okay? He accompanies Faluda on all his adventures. और जो Topsy है, जो Faluda है, उनके जितने भी adventures हैं उसमें उन्होंने उनका साथ दिया, join किया उनको. Okay?
Faluda and Topsy are on a holiday in Darjeeling when this incident occurred. Faluda और उनके जो cousin हैं Topsy, वो दोनों कहाँ पर रह रहे थे? Darjeeling में holiday spend कर रहे थे जब ये incident occurred, it means जब हुआ था, ठीक है? First para, I had accidentally overheard a disturbing conversation between Rajan Babu and a friend of his when I was sitting in the mall and had reported to Faluda that there seemed to be something to investigate. अब क्या हुआ, जब दार्जिलिंग में जो फलूदा है और जो उनका कज़न है Topsy, वो दोनों अपनी हॉलीडे स्पेंड कर रहे थे, तब उन्होंने क्या देखा? आई हैड एक्सीडेंटली, अब वो जो Topsy है वो क्या बोल रहे हैं कि मतलब गलती से उन्होंने ओवरहर्ड, क्या मतलब छिपकर से जो राजन बाबू और उनके फ्रेंड के बीच में जो आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही थी, बातचीत हो रही थी, उसको उन्होंने छिपकर से सुना. When I was sitting in the mall, जब मैं mall it means a stretch of road, generally the main road of a hill station where people go for a stroll or shopping. Mall आप लोग सब समझते हो, shopping के लिए जहाँ आप जाते हो, तो वो वहाँ पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनकी बात को सुना. And had reported to Faluda that there seemed to be something to investigate. तो जब उन्होंने Topsy ने राजेंद्र बाबू उनके फ्रेंड को मॉल में बात करते सुना, तो उन्होंने सोचा कि मुझे फलूदा जो कि उनके कज़न हैं उनको मुझे ये बताना चाहिए और हमें इसकी इन्वेस्टिगेट यानी जांच पड़ताल करनी चाहिए. ओके, इंक्वायरी रिसर्च करनी चाहिए हमें उनके बारे में. सेकंड पैरा, राजन बाबू एंड अमिकेबल ओल्ड मैन वॉज लिविंग अ पीसफुल रिटायर्ड लाइफ इन दार्जिलिंग. ओके, जो राजेंद्र बाबू हैं वो कैसे पर्सन हैं? बहुत ही अमिकेबल, इट मीन्स फ्रेंडली एंड गुड नेचर, बहुत ही अच्छे नेचर के इंसान हैं. और वो मतलब बहुत ही पीसफुल रिटायर्ड, जो मतलब रिटायर हो चुके अपनी जॉब से, और वो दार्जिलिंग में मतलब रिटायर होने के बाद बहुत ही पीसफुली शांति पूरे अपने मतलब जीवन गुजार रहे थे, वहाँ रह रहे थे. रिसेंटली तुरंत क्या हुआ, ही हैड टेकन इन अ पेइंग गेस्ट टिंकोरी बाबू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ डियर फ्रेंड. अब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक पेइंग गेस्ट टिंकोरी बाबू आए ऑन द रिकमेंडेशन. रिकमेंडेशन इट मीन्स सेइंग दैट द पर्सन इज़ गुड एंड ही कैन बी अलाउड टू स्टे एज अ पेइंग गेस्ट. मतलब किसी के रिकमेंडेशन से आते ना कि भाई ये तो अच्छा इंसान है, इसको रख लो, तो वो ऐसे उनके फ्रेंड के थ्रू वहाँ पर आए, तो उन्होंने उनको वहाँ पर एज अ पेइंग गेस्ट क्या होता है, जब आपका आपके घर में रेंट पर रहने के लिए कोई आता है ना, और वो पैसे आपको पे करता है, इट इज़ कॉल्ड पेइंग गेस्ट. ओके, तो वहाँ पर वो उनके फ्रेंड के थ्रू वहाँ पर आए टिंकोरी बाबू. अब टिंकोरी बाबू हैड अ स्पेशल वीकनेस फॉर शेरुत. अब जो उनके जो टिंकोरी बाबू जो पेइंग गेस्ट आए थे, उनकी एक स्पेशल वीकनेस, इट मीन्स स्पेशल लिकिंग, मतलब होता है ना किसी की कोई ना कोई मतलब वीकनेस होती है, तो वो शुरूत इट मीन्स एक सिगार टाइप की वो होती है, तो उनको पीने का शौक था. एंड बिफोर मूविंग इनटू राजन बाबू हाउस ही हैड मेड श्योर दैट राजन बाबू हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट. जब वो राजन बाबू के यहाँ पर रहने के लिए एज अ पेइंग गेस्ट वहाँ गए, तो उन्होंने पहले ही इस चीज़ें क्लियर कर दी थी राजन बाबू से कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है अगर मैं यहाँ पर सिगार वगैरह पीऊँ तो, है ना. नाउ पैरा थर्ड, अ फ्यू डे अगो राजन बाबू हैड रिसीव्ड अ थ्रेटनिंग लेटर बाय पोस्ट. कुछ दिनों पहले जो राजन बाबू है उनको क्या मिला था, एक बहुत ही थ्रेटनिंग इट मीन्स बहुत ही धमकी भरा एक लेटर उनको बाय पोस्ट मिला. किसे? राजन बाबू को. इट हैड वर्ड नॉट रिटन बट कट आउट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड बुक्स. मतलब ये जो लेटर था वो हाथ की से लिखा हुआ हैंड राइटिंग नहीं थी, वो न्यूज़पेपर की कटिंग किया हुआ था, बुक्स या न्यूज़पेपर्स में कटिंग करके वो लिखा हुआ था. बी प्रिपेयर टू पे फॉर योर सिंस इज ऑल दैट इट सेड. वो लेटर था उसमें क्या लिखा हुआ था कि तुम्हारे जितने भी सिन, इट मीन जितने भी तुमने पाप किए हैं अपने टाइम में, जितने भी क्राइम किए, मतलब होता है ना सिन, इट मीन्स कोई क्राइम किया, उस सब क्राइम के लिए तुम तैयार हो जाओ, ऐसा उस लेटर में लिखा हुआ था जो राजन बाबू को मिला था, जो पोस्ट के थ्रू मिला था उनको, है ना.
fourth para, when we visited Rajan Babu to inquire about it, Faluda asked, have you a reason to suspect anyone? जब हम राजन बाबू के यहाँ इंक्वायरी करने के लिए गए, कौन गए थे? फलूदा और उनका कज़न टॉप्सी, वो वहाँ पर गए तो उन्होंने जो राजन बाबू हैं उसे क्या पूछा, have you a reason to suspect anyone? क्या कोई सस्पेक्ट है, किसी के ऊपर डाउट है, आपको कोई रीज़न है किसी के डाउट होने का किसी के ऊपर? तो वो जो राजन बाबू हैं क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली नॉट, नो, बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट रिमेंबर हार्मिंग एनी वन एनी टाइम, मुझे याद नहीं है ऐसा कि मैंने कभी किसी को भी कोई हर्ट किया हो या नुकसान पहुंचाया हो. ओके, डज एनी वन विजिट यू रेगुलरली? तो टॉप्सी और फलूदा क्या पूछते हैं, क्या कोई ऐसा है जो आपको रेगुलर, आपको कोई मतलब आप को विजिट कर रहा हो, आपका पीछा कर रहा हो, आप किसी को आपने ऐसा नोटिस किया कि कोई मान लो आपको देख रहा हो, कोई विजिट कर रहा हो, आपको आपका कोई पीछा कर रहा हो? तो टॉप्सी और फलूदा किससे पूछते हैं, राजन बाबू से. नाउ पैरा 7, वेल आई डोंट गेट टू मैनी विजिटर्स, डॉक्टर फोनी मित्रा कम्स ओकेजनली ओनली वेन आई एम इल. वेल, अच्छा, आई डोंट गेट टू मैनी विजिटर्स, एक्चुअली मेरे यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, केवल डॉक्टर पौनी मित्रा यहाँ पर आते हैं, वो भी ओकेजनली कभी कभी जब मैं बीमार होता हूँ. ठीक है, इल मीन्स बीमार होना. आफ्टर सम इन्वेस्टिगेशन फलूदा सैड टू मी, मतलब इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करने के बाद में जो फलूदा है उसने मुझसे पूछा, डॉक्टर पौनी मित्रा कुड बी द वन हु सेंड द लेटर. अब जो टॉप्सी और फलूदा आपस में कह रहे हैं कि अगर कोई आता ही नहीं है तो हो सकता है कि जो डॉक्टर आते हैं मित्रा, हो सकता है उन्होंने ये लेटर भेजा हो. ही सीम्स टू बी इन नीड ऑफ मनी एज ही डजेंट हैव अ गुड प्रैक्टिस, मतलब डजेंट हैव अ गुड प्रैक्टिस, इट मीन्स डोंट मेक मच मनी और सी मैनी पेशेंट टू हिज मेडिकल प्रैक्टिस. हो सकता है उनकी मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर कोई और पेशेंट नहीं आते हों, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि वो राजन बाबू को यहाँ पर एज अ डॉक्टर यहाँ पर आते हों और वो इस तरह का उनका ट्रीटमेंट करते हों कि वो कभी ठीक ही ना हो और मतलब उनका ऐसा बनता रहे, तो सस्पेक्ट कर रहे थे वो उनको भी, क्योंकि और कोई उनके घर पे आता नहीं, ऐसा वो बोल रहे थे राजन बाबू. तो उन्होंने ऐसा बोला कि हो सकता है कि उनके यहाँ कोई मतलब प्रैक्टिस के लिए मेडिकल पे नहीं आता है तो इस वजह से वो ऐसा कर रहे हो. अ लेटर लाइक दिस वुड मेक राजन बाबू अफ्रेड एंड मेक हिम इल. इस लेटर से तो ऐसे पता लगता है कि इस लेटर को पढ़ के राजन बाबू बहुत डर जाएं और बीमार पड़ जाएं. ऑब्वियसली जब डर जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास ही जाएंगे, तो इससे प्रॉफिट किसको होगा, डॉक्टर को होगा. तो कहीं ना कहीं सस्पेक्ट तो हो रहे थे ना डॉक्टर. And if that happened, he would naturally go to his doctor. और obviously वो जब बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना. 9 पैरा, the second person who visited Rajan Babu often was Mr. Ghoshal. अब जो second person है जो राजेंद्र बाबू के यहाँ पर visit करने के लिए आते हैं अक्सर, वो कौन है, Mr. Ghoshal, an expert in एंटिक्स. जो भी एंटिक्स क्या होता है, एक तरीके से ओल्ड एंड वेरी वैल्यूएबल थिंग्स होता है ना, कई एंटिक चीज़ें होती है, किसी को शौक होता है पुरानी चीज़ों को, एंटिक चीज़ों को अपने पास में स्टोर करके रखने का. तो ये जो घोषाल है मिस्टर, वो एक्सपर्ट है एंटिक चीज़ों को अपने पास में स्टोर करने के लिए. ऑफ लेट राजन बाबू हैड डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन एंटिक एंड क्यूरियस एंड कलेक्टेड मैनी मास डैगर्स एंड ओल्ड पेंटिंग्स. एक्चुअली जो राजन बाबू हैं उनको क्या है, एक शौक है, इंटरेस्ट है जितनी भी एंटिक चीज़ें होती हैं. क्यूरियस इट मीन्स रेयर एंड अनयूजल थिंग्स विच आर स्मॉल इन साइज, पीपल ऑफन कलेक्ट दैम. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो स्मॉल साइज में होती है, बहुत रेयर मिलती हो और उनको हम कलेक्ट करते हैं, तो राजन बाबू भी उन चीज़ों को कलेक्ट करते थे. और एक पर्सन मिस्टर जो घोषाल है, वो जितनी भी एंटिक चीज़ें होती है उनको मतलब उन चीज़ों को स्टोर करने का मतलब शौकीन थे वो उनको, है ना. तो वो जो राजेंद्र बाबू हैं, बहुत सारे जितने भी डैगर्स शॉर्ट जो नाइफ होते हैं ना उसको बोलते हैं, डैगर छोटे छोटे जिसे हम बोलते हैं ना, तलवार टाइप की, कटार जिसे हम बोलते हैं लाइक दैट, और ओल्ड जितनी पेंटिंग्स होती है, मास्क जो पुराने मुखुटे होते हैं, तो ये सब चीज़ें राजेंद्र बाबू अपने यहाँ पर रखते थे, उनको शौक था पुरानी ओल्ड चीज़ों को रखने का.
पैरा 10 टिंकोरी बाबू थोट गोशाल वॉज अ क्रूक. क्रूक इट मीन्स अ डिसऑनेस्ट पर्सन हु चीट अदर्स. मतलब जो मिस्टर टिंकोरी बाबू ये कहते हैं कि जो गोशाल है वो शायद एक क्रूक पर्सन है. क्रूक इट मीन्स एक डिसऑनेस्ट पर्सन है जिसपे हम विश्वास नहीं कर सकते. आई डोंट ट्रस्ट हिम एट ऑल. हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते और ना उन पर विश्वास किया जा सकता है. ही प्रिटेंड्स टू बी इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड एंटिक्स. अब वो प्रिटेंड करते हैं कि वो आर्ट और जितने भी एंटिक चीज़ें हैं कि उनमें उनको शौक है. मतलब वो टिंकोरी बाबू मतलब जो फेलुदा और जो टापसी होते हैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मिस्टर गोशाल है ना वो थोड़े से मतलब उन पे डाउट किया जा सकता है. डिसऑनेस्ट टाइप के पर्सन है वो है ना. प्रिटेंड यानी बहाना करते हैं, नाटक करते हैं कि उनको जो पुरानी चीज़ें हैं उनको रखने का शौक है. बट आई थिंक वॉट ही रियली वॉन्ट्स टू बाय देम चीप हेयर एंड सेल देम टू फॉरनर्स एट अ मच हायर रेट. मुझे ऐसा लगता है टिंकोरी बाबू कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो पुरानी जितनी भी चीज़ें ना उनको सस्ते में खरीद लेते हैं और जो फॉरनर्स आते हैं ना उनको बहुत पैसे में उन चीज़ों को बेच देते हैं. टिंकोरी बाबू हैड टोल्ड फलूदा व्हेन वी मेट हिम इन द कॉफ़ी शॉप द नेक्स्ट डे. जब टिंकोरी बाबू फलूदा से कॉफ़ी शॉप पर अगले दिन मिले तब उनके आपस में क्या बात हुई, तो वो इस तरीके से वो उनको सारी बातें बता रहे होते हैं टिंकोरी बाबू कि वो जो मिस्टर गोशाल है वो किस टाइप के पर्सन है. सो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे.